इस किताब का नाम है आइंस्टाइन, हिज लाइफ एंड यूनिवर्स, जिसे लिखा है वॉल्टर आइजेक्सन ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। कैसा होता अगर मैं एक लाइट बीम के साथ साथ अपनी साइकिल चला सकता, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना कैसा लगता होगा। कुछ इसी तरह के थॉट्स आइंस्टाइन के दिमाग में आते थे जब वो 16 साल के थे। उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए शायद उन्हें ऐसे आइडियाज आते थे जो बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगते थे। चाहे कर्विंग ऑफ लाइट का आइडिया हो या कर्विंग ऑफ रियलिटी, ऐसे आइडियाज सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही आ सकते थे। अपने बेतरतीब घुंघराले बालों और इंटेलिजेंट आंखों के कारण उन्हें लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है। वैसे तो आइंस्टाइन अकेले काम करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हर नई डिस्कवरी को दुनिया के साथ शेयर किया। उन्हें अकेले रहना पसंद था अपने अपार्टमेंट में दिन रात स्टडी करते हुए। फिर भी वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। 1905 में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन रखी। उस टाइम आइंस्टाइन ने क्लेम किया कि लाइट एक वेव और पार्टिकल दोनों तरह से एक्ट करती है। उसी साल वो एक और स्पेशल रिलेटिविटी लेकर आए, E=mc². इतना ही नहीं, 1905 में आइंस्टाइन के टोटल 5 पेपर्स पब्लिश हुए, जिनमें से एक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो देखा जाए तो असल में वो एक जीनियस थे जिन्होंने कमाल की डिस्कवरीज की थी। इसके एक डेकेड बाद ही आइंस्टाइन अपनी ग्रेटेस्ट थ्योरी लेकर आए, यानी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी। इस थ्योरी के आने के साथ ही क्लासिक फिजिक्स का दौर खत्म हुआ और मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ। इस थ्योरी ने हमें यूनिवर्स को और भी एक्यूरेट व्यू से समझने में मदद की, जो कि न्यूटन की थ्योरी से ज्यादा सरदार है। आइंस्टाइन मरते दम तक काम करते रहे। ओल्ड एज में उनके अंदर सनक पैदा हो गई थी, वो हर चीज की थ्योरी डिस्कवर करना चाहते थे। उनकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ने क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को साथ में कंबाइन करके एक सेट ऑफ लॉ बना दिया था। कहने का मतलब है कि यूनिफाइड थ्योरी यूनिवर्स की हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है, बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन से लेकर के बड़े बड़े प्लैनेट्स तक को। और आज भी फिजिसिस्ट इसी खोज में लगे हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। हालांकि क्वांटम वर्ल्ड में कई सारी प्रोबेबिलिटीज है, तो कई सारे सवाल भी, जिनका जवाब अभी साइंस ढूंढ रहा है। लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव और पार्टिकल दोनों रूप में एक्ट कर सकते हैं, और इसी खोज की वजह से आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं आइंस्टाइन की जर्नी के बारे में। आइंस्टाइन 2 साल की एज तक तो बोल ही नहीं पाते थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उन्हें डर था कि वो शायद कभी भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया। वो कुछ भी बोलने से पहले जोर जोर से रिपीट करते थे, और उनकी इस आदत से उनकी फैमिली उन्हें मंद बुद्धि यानी स्पेशल चाइल्ड समझने लगी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन और बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्हें वो नजर आता था जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते थे। लोग डाउनहिल से गुजरते हैं, फास्ट ट्रेन में सफर करते हैं या बिजली गिरते हुए देखते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ लगती है। लेकिन आइंस्टाइन को यही सारी चीजें मिस्ट्री लगती थी, और वो उनके होने की वजह ढूंढने में जुट जाते थे। आइंस्टाइन के दादा परदादा ज्यूइश बिजनेसमैन थे। उनका परिवार हमेशा ही खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जीता रहा। ये लोग साउथ वेस्ट जर्मनी के एक खूबसूरत विलेज स्वाबिया में रहते थे। आइंस्टाइन की फैमिली में सब लोग इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, जो सेक्युलर और इंडिपेंडेंट सोच रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर हरमन आइंस्टाइन और मदर पॉली ने कोच थी। हरमन एक प्राउड बिजनेसमैन थे, जबकि पॉली ने एक स्ट्रॉन्ग विल वाली लेडी थी। दोनों मिलकर के अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रहे थे और उन्हें हर तरह से कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करते थे। अल्बर्ट जब 1 साल के हुए तो उनकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गई थी। उनके अंकल जैकब ने अल्बर्ट के फादर को एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वाइट किया था। जैकब एक इंजीनियर थे, जबकि हरमन एक सेल्समैन थे। दोनों मिलकर के साउथ जर्मनी के टाउन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। आइंस्टाइन जब 2 साल के हुए तो उनकी सिस्टर पैदा हुई, उसका नाम रखा गया माजा। अल्बर्ट ने जब फर्स्ट टाइम अपनी छोटी बहन को देखा तो कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है? क्योंकि उन्हें लगा कि वो कोई टॉय थी जो उनके पेरेंट्स उनके लिए लाए हैं। बाद में दोनों भाई बहन के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बना, जो उन्होंने सारी उम्र निभाया। म्यूनिक में आइंस्टाइन फैमिली का एक बड़ा सा घर था, जिसके चारों तरफ आलीशान गार्डन था। अल्बर्ट का बचपन बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी गुजरा था। बचपन के इस लविंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट की वजह से ही उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी
अल्बर्ट को बचपन से ही दिन में सपने देखने की आदत थी और वो अक्सर अकेले ही घुमा करते थे। उन्हें पजल सॉल्व करना, बिल्डिंग सेट्स बनाना बहुत पसंद था। खेल खेल में वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते थे। माजा कहती थी कि अल्बर्ट कार्ड्स की 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक बना सकते हैं। अल्बर्ट जब 5 साल के हुए तो उसी दौरान दो बड़ी अमेजिंग चीजें हुई। उन्हें अपने पेरेंट्स से एक गिफ्ट मिला जिसने उनकी जिंदगी और पर्सनैलिटी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया था। पहला गिफ्ट एक फादर का दिया एक कंपास था और दूसरा उनकी मदर ने उन्हें एक वायलिन दिया था। एक दिन यंग आइंस्टाइन को हाई फीवर हुआ। वो बिस्तर पर लेटे थे और बगल में उनके फादर बैठे थे। उन्होंने अल्बर्ट को एक कंपास दिया। आइंस्टाइन इस गिफ्ट को देख करके हैरान रह गए। वो गौर से कंपास की छोटी सी सुई को देखने लगे जो डायरेक्शन चेंज होने पर घूम जाती थी। आइंस्टाइन ये जानने को उतावले हो रहे थे कि कंपास काम कैसे करता है। फिर कुछ दिन के बाद जब मदर ने उन्हें वायलिन गिफ्ट किया तो अल्बर्ट ने वायलिन सीखना शुरू किया। उनकी माँ खुद भी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। अल्बर्ट और उनकी माँ दोनों साथ में पियानो और वायलिन की जुगलबंदी करते थे। मोजार्ट उनके फेवरेट म्यूजिशियन थे और अल्बर्ट के लिए मोजार्ट का म्यूजिक प्योर ब्यूटी था। अल्बर्ट को लगता था कि सोनाटा की खूबसूरती यूनिवर्स की तरह ही मैजिकल है। आइंस्टाइन को जब भी कोई डिफिकल्टी होती थी तो वो म्यूजिक सुनते थे, खासकर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को डेवलप करते वक्त। रात को वो अपने अपार्टमेंट में अकेले वायलिन बजाते रहते थे। कई बार तो परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें कोई आइडिया आ जाता तो जोर से चिल्लाते, मुझे मिल गया। अल्बर्ट ने 15 साल की उम्र तक लुइट पोल्ड जिम्नेजियम से पढ़ाई की। फिर 1884 में आइंस्टाइन फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अल्बर्ट के फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने कम हो गए थे। उन्हें म्यूनिक का अपना खूबसूरत और आलिशान घर बेचकर मिलान इटली शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि अल्बर्ट के फादर को वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लेकिन अल्बर्ट को अभी 3 साल और म्यूनिक में रहना था क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। मगर 1884 में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो वापस म्यूनिक नहीं आए। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और स्कूल में भिजवा दिया और खुद इटली जाने वाली ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली के पास चले गए। उनकी म्यूनिक छोड़ने की एक वजह थी, अगर वो एक और साल जर्मनी में रहते तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती और अल्बर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। बाद में अल्बर्ट ने अपने फादर को बोल करके अपनी जर्मनी की सिटीजनशिप फिर से ले ली थी। वो ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो स्विट्जरलैंड चले गए जहाँ पर उन्होंने साइंस और मैथ का एंट्रेंस एग्जाम तो फर्स्ट क्लास में ही पास कर लिया था, लेकिन फ्रेंच पॉलिटिक्स लिटरेचर में बुरी तरह फेल हुए। खैर, बावजूद इसके उन्हें एडमिशन मिल गया था। आगे की सफर की बात करें तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन 17 साल के हो चुके थे। वो मैथ और फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस अटेंड करते थे। ज्यूरिख में उनकी मदर के रिलेटिव्स थे जो अल्बर्ट का ध्यान रखते थे। उन्हें 100 स्विस फ्रैंक्स का मंथली पॉकेट मनी मिलता था जिसमें से अल्बर्ट अपनी स्टूडेंट लॉजिंग का खर्च उठाते थे। वो हर महीने 20 फ्रैंक सेविंग करते थे ताकि वो एक स्विस सिटीजन बन सके। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि वो यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले, मिलेवा मेरिक, जो एक प्राउड सर्बियन फार्मर की बेटी थी। उसके फादर ने उसे फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए भेजा था। मिलेवा ने टॉप कॉम्पिटिटिव स्कूल्स में एडमिशन लिया था। 21 साल की उम्र तक मिलेवा ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की। आइंस्टाइन की क्लास में वो अकेली लड़की थी। साथ पढ़ते हुए अल्बर्ट और मिलेवा को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कई सारे लेटर्स लिखे। इन लेटर्स में दोनों साइंस और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते थे। दोनों साथ मिलकर के किताबें पढ़ते और लेक्चर डिस्कस करते थे। हालांकि अल्बर्ट की माँ को मिलेवा पसंद नहीं आई। वो स्मार्ट तो थी लेकिन बाकी लड़कियों जैसी कॉमन नहीं थी। लेकिन अल्बर्ट मिलेवा को दिलो जान से चाहते थे। वो उसे प्यार से डॉली और माय वाइल्ड लिटिल रास्कल बोलते थे। मिलेवा ने भी उनका एक निकनेम रखा था, जॉनी, और वो उन्हें माय विकेट लिटिल स्वीट हार्ट बोलती थी। 1890 में आइंस्टाइन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। हालांकि वो अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी उन्हें टॉप मार्क्स मिले थे, लेकिन लो ग्रेड की वजह से मिलेवा पास नहीं कर पाई थी। लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी। तो फिर आगे ग्रेजुएशन के 2 साल बाद अल्बर्ट जॉब की तलाश में जुट गए। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में उनके प्रोफेसर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर दिया था। अल्बर्ट कितने जीनियस है ये तो वो जानते थे, लेकिन उनके रिबेलियस बिहेवियर को वो भूले नहीं थे। और अपनी इसी आदत के चलते अल्बर्ट को इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिल पाई। अल्बर्ट ने सोचा जब तक जॉब नहीं मिलती है तो कुछ और कर लेते हैं, इसीलिए वो ट्यूशन पढ़ाने लगे।
और फाइनली उन्हें अपनी स्विस सिटीजनशिप भी मिल गई थी। और अब आगे 1901 के समर के दिनों में मिलेवा और आइंस्टाइन ने कोमो विलेज में एक रोमांटिक वेकेशन लिया। वहाँ घूमने के लिए खूबसूरत मेंशंस थे और वो लोग पहाड़ों में हाइकिंग के लिए भी गए। इस वेकेशन के दौरान मिलेवा प्रेग्नेंट हो गई थी। मिलेवा को लिखे अपने लेटर्स में वो हमेशा यही प्रॉमिस करते थे कि वो जल्दी ही कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे ताकि वो शादी करके घर बसा सके। लेकिन आइंस्टाइन को एक परमानेंट जॉब ढूंढने में काफी टाइम लग गया था। इसी बीच मिलेवा ने दोबारा से ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, मगर इस बार भी वो फेल हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नोवी सेट चली आई। अपने पेरेंट्स के घर पर मिलेवा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने लियसेल रखा। अल्बर्ट अभी भी उसे लेटर्स भेजते थे, लेकिन वो उसे मिलने कभी नोवी सेट नहीं गए। बाद में लियसेल के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि उसे मिलेवा की बेस्ट फ्रेंड ने गोद ले लिया था, लेकिन ये भी माना जाता है कि 3 साल की उम्र में स्कारलेट वीवर से उसकी डेथ हो गई थी। मिलेवा अकेली ही ज्यूरिख लौट आई। 1903 में अल्बर्ट और मिलेवा ने शादी कर ली। उन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स की विटनेस में कोर्ट मैरिज की थी और 1904 में हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। मिलेवा और अल्बर्ट का पहला बेटा, जिसने उनके रिश्ते में फिर से खुशियां लौटा दी थी। 1910 में उनका दूसरा बेटा एडवर्ड पैदा हुआ। एडवर्ड के होने के कुछ टाइम बाद ही अल्बर्ट और मिलेवा का डिवोर्स हो गया। हैंस अल्बर्ट बड़ा होकर के इंजीनियर बना, जबकि अल्बर्ट के छोटे बेटे एडवर्ड को एक्सट्रीम मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम थी। वो अपनी सारी उम्र मेंटल हॉस्पिटल में रहा। और आगे बात करें आइंस्टाइन की जिंदगी में मिरेकल्स की, तो द मिरेकल ईयर, क्वांटा एंड मॉलिक्यूल्स, ये बात है 1905 की। किसी ने आइंस्टाइन को कहा कि उनकी थर्ड क्लास पेटेंट क्लर्क की जॉब बहुत बोरिंग है। स्विस पेटेंट ऑफिस में इस जॉब का स्टैंडर्ड सबसे कम माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद अल्बर्ट जॉब करते रहे और 1 साल के बाद उन्हें परमानेंट कर दिया गया। शायद उनकी इसी स्लो गोइंग जॉब की वजह से उन्हें चीजों के बारे में और गहराई से सोचने का टाइम मिल जाता था। तो कुल मिलाकर के 1905 ये साल आइंस्टाइन के लिए काफी प्रोडक्टिव साल रहा। कई डेकेड्स तक लोग यही मानते रहे कि सर आइजक न्यूटन का क्लासिक फिजिक्स साइंस की दुनिया की अल्टीमेट सच है। पेड़ से गिरते सेब से लेकर मून की ऑर्बिटिंग तक हर चीज का रीजन लॉ ऑफ फोर्स, मास, मोशन और ग्रेविटी को माना जाता था। न्यूटन के हिसाब से हर चीज के होने की एक वजह है जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने दोस्त कॉनराड हबिच को 5 पेपर लिखे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी ये लेटर साइंस की दुनिया ही चेंज कर देंगे। इस टाइम क्वांटा और रिलेटिविटी के उनके आइडियाज पर बहुत से सवाल उठाए गए। इसी वजह से आइंस्टाइन ने मॉलिक्यूल साइज पर लिखे अपने पेपर्स को अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए चूज किया। हबिच को भेजा उनका फर्स्ट पेपर, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पर था। इस पेपर में उन्होंने लिखा कि लाइट एक वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल दोनों तरह से एक्ट कर सकती है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटा बोलते हैं। उनका दूसरा पेपर मॉलिक्यूल्स के साइज पर था। आइंस्टाइन ने डिस्कवरी की थी कि इक्वल वॉल्यूम की गैस को अगर थोड़े टेम्परेचर और प्रेशर के साथ सेट किया जाए तो हम उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। और आइंस्टाइन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बारे में थ्योरी डिस्कवर की। एक कप में अगर खूब सारी चीनी घोली जाए तो वो शुगर सिरप बन जाएगा और उसमें आप और चीनी नहीं घोल सकते। आइंस्टाइन को यहीं से आइडिया आया और उन्होंने लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इक्वेशन निकाला। उनका थर्ड पेपर ब्रोनियन मोशन के बारे में था। अगर किसी लिक्विड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हिलते डुलते दिखाई देंगे, जिन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि ये नन्हे पार्टिकल्स आपस में टकराने की वजह से लगातार हिलते रहते हैं। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ आगे साल के एंड में आइंस्टाइन ने कॉनराड हबिच को 2 और पेपर लिखे। 4th पेपर स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में था और 5th पेपर आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में था। रिलेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट 1632 यानी कि 1632 में गैलीलियो के आइडिया से आया था, क्योंकि गैलीलियो ने कॉपरनिकस के आइडिया को सपोर्ट किया था। पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी के प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। साइंटिस्ट ये बहस करते थे, आर्ग्यू करते थे कि अगर धरती वाकई में घूम रही है जैसा कि कॉपरनिकस ने कहा था तो हमें क्यों नहीं पता चलता। और यहीं पर गैलीलियो और उसकी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। हम अर्थ की मूवमेंट इसीलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि ये लगातार घूमती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी स्मूथ सेलिंग शिप में ट्रैवल करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि शिप चल रहा है।
राइट right? तो गैलीलियो ने कहा था कि जब आप केबिन के अंदर जाते हो तो आपको शिप की स्लो मूवमेंट फील नहीं होती, आप बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हैं। आपको पता है कि शिप चल रहा है लेकिन फील नहीं कर पाते। चाहे तो आप केबिन में कोई आवर ग्लास रख लो या फिश बाउल, गोल्डफिश अपने बाउल में आराम से स्विम करती रहेगी और आवर ग्लास का सेंट स्लो मोशन में गिरता रहेगा। इसीलिए जब कोई चीज लगातार मूव करती है तो वो एक तरह से रेस्ट मोड में होती है। तो इस तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी डिस्कवर की थी और ये थ्योरी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है। इसीलिए आइंस्टाइन ने इसे समझाने के लिए एक मूविंग ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ट्रेन जब चलती है तो आपको उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स मूव करते दिखाई देते हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स को आप और प्लेटफॉर्म की बाकी चीजें पीछे की तरफ मूव करती दिखती है। अब सोचिए कि आप अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप दोनों पॉइंट्स के सेंटर में हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तभी दोनों पॉइंट पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। अब क्योंकि आप दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं तो आपको वो लाइटनिंग दोनों पॉइंट्स पर एग्जैक्ट सेम टाइम पर स्ट्राइक करती हुई नजर आएगी, लेकिन पॉइंट ए के पास वाली ट्रेन में जो पैसेंजर होगा उसे पॉइंट ए पर पॉइंट बी से पहले लाइटनिंग गिरती नजर आएगी। इसी तरह जो पैसेंजर पॉइंट बी के पास होगा उसे पहले पॉइंट बी पर लाइटनिंग नजर आएगी। इसीलिए इसमें रॉन्ग या राइट आंसर नहीं है। प्लेटफॉर्म से आपको और ट्रेन से उन दोनों पैसेंजर्स को लाइटनिंग अलग अलग टाइम पर दिखाई देगी, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कौन से पॉइंट पर पहले लाइटनिंग हुई होगी, पॉइंट ए या पॉइंट बी? और इस तरह आइंस्टाइन ने कंक्लूजन निकाला कि टाइम भी एक रिलेटिव चीज है। न्यूटन ने ये डिस्कवरी बहुत पहले कर ली थी कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को इस आइडिया में लूप होल नजर आ रहा था। रिलेटिविटी का स्पेशल आइडिया डिस्कवर करने के 10 साल बाद आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। इसमें उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी और एक्सीलरेटेड मोशन भी ऐड किया। इसी बीच उन्होंने हबिच को अपना फिफ्थ और फाइनल पेपर भेजा, जो कि उनका फेमस फॉर्मूला है। रिलेटिविटी की थ्योरी से ही आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला निकाला था। किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मास के इक्वल होती है, जिसे स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है। इसीलिए अगर आपके पास एक किशमिश के दाने जितना एनर्जी सोर्स है तो उसमें न्यूयॉर्क की एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी की जा सकती है। लेकिन आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि फ्यूचर में उनके इस फॉर्मूले से एटम बॉम्ब बनेगा। एटॉमिक बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए थे, जिसने नागासाकी और हिरोशिमा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये एटॉमिक बॉम्ब इतने डेडली थे कि महीनों बाद भी इसकी लाइट रेडिएशन से ही हजारों लोग मारे गए थे। तो स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है जो लगातार स्पीड से चलती है। लेकिन जल्द ही आइंस्टाइन समझ गए थे कि सिर्फ यही काफी नहीं है। एक थ्योरी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होनी चाहिए जो बहुत ही स्पीड में चलती है। जनरल रिलेटिविटी से पहले साइंटिस्ट मानते थे कि स्पेस ऑफ टाइम एक दूसरे से अलग है और ग्रेविटी सिर्फ एम्प्टी यानी कि खाली स्पेस पर काम करती है, क्योंकि न्यूटन ने इसी तरह यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था। उनका लॉ ऑफ मोशन आइडिया ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ चलता है। हालांकि आइंस्टाइन की डिस्कवरी से साइंस की दुनिया में काफी सारे चेंजेस आए। बहुत सारी थ्योरीज, नए कॉन्सेप्ट्स और नए आइडियाज निकले। जैसे एग्जांपल के लिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। ये साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आया, जिसने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया था। लेकिन ये सब ना इतना भी आसान नहीं था। आइंस्टाइन को अपनी स्टडी कंप्लीट करने में 4 साल लगे। इस दौरान उनकी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, लेकिन आइंस्टाइन अपने काम में लगे रहे। वो अपने काम को लेकर के इतने डेडिकेट थे कि अपनी फैमिली लाइफ भी उन्होंने इग्नोर कर दी थी। इन मुश्किल 4 सालों में आइंस्टाइन और मिलेवा के बीच में काफी दूरियां आई कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। आइंस्टाइन ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने बेटों के साथ टाइम बिताएंगे, लेकिन अपने आइडियाज और इक्वेशंस की वजह से वो टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। वो कहा करते थे कि साइंस मुझे मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से बचाता है। वैसे भी आइंस्टाइन नेचर से थोड़े शर्मीले थे, तो थ्योरीज चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अकेले ही सॉल्व करना पसंद करते थे। बर्लिन के उनके अपार्टमेंट में हमेशा पेपर्स और किताबें इधर उधर बिखरी रहती थी। आइंस्टाइन दिन रात काम में डूबे रहते। खाने और सोने की याद उन्हें तभी आती जब उन्हें भूख लगती या नींद आती।
वो 36 साल के थे जब उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी आखिरकार कंप्लीट हुई, लेकिन तब तक उनकी मैरिज और फैमिली लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। बावजूद इसके आइंस्टाइन खुश थे, आखिर उनका सपना जो पूरा हो गया था। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को वो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते थे। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस और टाइम दो अलग चीजें नहीं है, दोनों साथ मिलकर के स्पेस टाइम क्रिएट करते हैं। इसे हम ट्रैम्पोलाइन फैब्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसमें एक बॉलिंग बॉल रोल करेंगे तो फैब्रिक मुड़ जाएगा। अगर आप कुछ बिलियर्ड्स बॉल्स डालेंगे तो वो बॉलिंग बॉल की तरफ जाएगी जिसमें ज्यादा मास है। बॉलिंग बॉल और बिलियर्ड्स बॉल्स फैब्रिक को कवर कर लेंगे और फिर फैब्रिक का कर्व बॉल्स के मोशन और पाथ को डिसाइड करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि ये बॉल्स इस यूनिवर्स के प्लैनेट्स है और ट्रैम्पोलाइन यूनिवर्स है। तो ये एक सबसे इजी तरीका है जनरल रिलेटिविटी को समझने का। थ्योरी ये भी कहती है कि टाइम सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम नहीं होता। टाइम रिलेटिव है और टाइम बहुत बड़ा भी है, और ग्रेविटी और वेलोसिटी इसे अफेक्ट कर सकते हैं। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इमेजिन कीजिए कि आप बीच में ड्राइव कर रहे हो, ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के सरफेस का टाइम स्लो होता है और पुल ऑफ ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व करती है। तो GPS सैटेलाइट्स इसके टाइम को स्पेस में एडजस्ट करती है ताकि आपके फोन में एक्यूरेट और टाइमली डायरेक्शन सेंड कर सके। टाइम डायलेशन के बिना GPS बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल है ट्विन सिनेरियो। मान लीजिए कि जुड़वा बेबीज है, एक धरती में है और दूसरा एक रॉकेट में स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल कर रहा है। अब 80 साल के बाद धरती में रहने वाला भाई बूढ़ा हो चुका होगा, जबकि स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल करने वाले भाई की एज सिर्फ एक दिन की होगी। आप स्पीड ऑफ लाइट के जितने क्लोज रहेंगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। जनरल रिलेटिविटी ये भी एक्सप्लेन करती है कि ब्लैक होल्स वाकई में होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इसीलिए इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स हद से ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि लाइट भी इनसे होकर नहीं गुजर सकती। थ्योरी में से बोले तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल्स के पास चले जाए तो उसकी बॉडी किसी नूडल्स की तरह फैल जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसके सिरे से ज्यादा उसके पैरों को खींचेगी। आइंस्टाइन मरते दम तक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करते रहे। जनरल रिलेटिविटी लार्ज स्केल में इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, जिससे हमें प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के बारे में पता चलता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स हमारे इस विशाल यूनिवर्स को स्मॉल लेवल पर डिस्कस करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। आइंस्टाइन और बाकी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हर चीज की एक थ्योरी है जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में कनेक्ट करती है। प्लैनेट्स और बाकी मैटर सब एटम्स से मिलकर बने हैं, इसीलिए एक ऐसा सेट ऑफ लॉज जरूर होगा जो कि इस दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करता है। तो इतनी अमेजिंग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आगे चलते हैं 1919 में, यानी कि 1919 की बात करते हैं। बर्लिन में रहने के दौरान आइंस्टाइन की मुलाकात एल्सा से दोबारा हुई, जो उनकी फर्स्ट कजन थी और जिसे वो बचपन में मिले थे। फिर 1919 में उन्होंने एल्सा से शादी कर ली। ये उसी साल की बात है जब उनका मिलेवा से डिवोर्स हुआ था। एल्सा की फर्स्ट मैरिज से दो बेटियां थी, मार्गोट और लल्से। आइंस्टाइन को जब नेम और फेम मिला तो एल्सा हमेशा उनके साथ रही। वॉर के बाद सारी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि अभी इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अभी शायद उम्मीद की कोई किरण बाकी थी। इंसान इतना भी बेदिल और हिंसक नहीं हो सकता कि दुनिया का खात्मा हो जाए। और यहीं पर हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन छपी थी, रिवॉल्यूशन इन साइंस, न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, न्यूटोनियन आइडिया ओवरथ्रोन। प्रेस को मालूम था कि लोगों को अब एक नया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी चाहिए। अब आइंस्टाइन कोई टिपिकल साइंटिस्ट तो थे नहीं, इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे बाल, सनकीपन, ये सब उन्हें औरों से काफी अलग शो कराते थे। वो अभी 40 के ही थे, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें खुद स्पॉटलाइट में रहना काफी पसंद था। वो हमेशा फनी बातें करते थे। वो बोलते थे कि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है, लेकिन रियल में ना ऐसा था ही नहीं। वो चाहते तो बाकी साइंटिस्ट की तरह इंटरव्यू या पार्टी इन्विटेशन से दूर भाग सकते थे, लेकिन आइंस्टाइन एल्सा और चार्ली चैपलिन के साथ रेड कार्पेट मूवी प्रीमियर में जाया करते थे। उनकी रिलेटिविटी वाली थ्योरी वाकई में एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी, मगर उनके पब्लिसिटी लव ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। कर्ली बालों और बड़ी काली आंखों वाली उनकी इमेज एक इंटरनेशनल आइकॉन बन चुकी थी।
उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखे लेटर में कहा था कि उनका ये सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा और इसकी वजह से वो अपना काम सीरियसली नहीं कर पा रहे। खैर, इसके बावजूद वो कैमरे के सामने आते रहे और लोगों को अपने फनी कोट से हंसाते रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और आते हैं 1921 में। जी हाँ, 1921 यानी कि 1921 में आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये उस पेपर पर बेस्ड था जो उन्होंने 1905 में पब्लिश करवाया था। हालांकि साइंटिस्ट अभी जनरल रिलेटिविटी और उसके लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन के बारे में समझ ही रहे थे, इसीलिए इस थ्योरी के लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया। उससे बहुत पहले ही आइंस्टाइन को पता था कि एक दिन उन्हें नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। उन्होंने मिलेवा से प्रॉमिस किया था कि वो प्राइज मनी उसे और अपने बेटे को देंगे। इसी शर्त पर मिलेवा उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हुई थी। आइंस्टाइन की बात सच साबित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1921 से 1932 के बीच में आइंस्टाइन ने कई बार अब्रॉड ट्रेवल किया, जापान, सिंगापुर, पैलेस्टाइन और स्पेन वगैरह। अपने यूएसए की फर्स्ट विजिट में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कई लेक्चर्स भी दिए। 1930 में वो दूसरी बार यूएस गए थे। उस टाइम उन्हें काल्टेक या कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो करना था। तो 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो आइंस्टाइन समझ गए कि वो अब दोबारा जर्मनी नहीं जा पाएंगे। वो एक ज्यूइश थे, इसीलिए वो रिफ्यूजी बन गए। कुछ टाइम तक तो वो बेल्जियम और इंग्लैंड में रहे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीचिंग का ऑफर भी मिला था, लेकिन 1935 के बाद आइंस्टाइन ने यूएस में रहने का डिसीजन लिया। वहाँ वो न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में काम करने लगे और आइंस्टाइन और एल्सा 112 मर्सर स्ट्रीट में रहते थे और यहीं पर उनकी डेथ भी हुई। वो कभी वापस जर्मनी नहीं जा पाए। और आगे बात करें इस जर्नी की तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर भी काम किया और यहीं पर उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करके उसे गलत साबित किया। नील्स बोहर और वर्नर हाइंसबर्ग जैसे फिजिसिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया बिल्ड किया था। एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत इस आइडिया से हुई थी कि अगर कोई लाइट वेव किसी पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है तो एक पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट कर सकता है। इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या बाकी चीजें भी एक वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हालांकि एक स्पेसिफिक टाइम में किसी मूविंग वेव की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करना मुमकिन नहीं है और इसीलिए फिजिसिस्ट सेट्स ऑफ वेवलेंथ के जरिए इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन की प्रोबेबिलिटीज होती है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपरपोजिशन। यही रीजन था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि गॉड डजंट प्ले डाइस, यानी ऊपर वाला पासा नहीं फेंकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टेनिटी को लेकर के वो सहमत नहीं थे। इस बात को लेकर के आइंस्टाइन और उनके साथी साइंटिस्ट नील्स बोहर के बीच में गर्मा गर्म बहस हो गई थी। बोहर के हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी से अब्सॉर्ब किया जा सकता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आइंस्टाइन इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव करते थे जो कि अलग से होती है, चाहे ऑब्जर्व हो या ना हो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ थोड़ा और बढ़ते इस जर्नी में आगे। आइंस्टाइन आगे लॉन्ग आइलैंड में वेकेशन के लिए गए थे जब हंगरीसन का साइंटिस्ट दोस्त उन्हें ढूंढता हुआ आया। आइंस्टाइन अपनी छोटी सी बोट में बैठे, एक जोड़ी सैंडल्स लिए और एक लोकल स्टोर ओनर के साथ गाने सुन रहे थे। जब वो वापस मर्सर स्ट्रीट आए तो उनका हंगेरियन फ्रेंड फिजिसिस्ट लियो ज़िलार्ड उनके पास आया। ज़िलार्ड ने न्यूक्लियर फिशन चैन रिएक्शन स्टडी किया था। उसने आइंस्टाइन को बताया कि यूरेनियम से बहुत बड़ा बॉम्ब बनाया जा सकता है, पर ज़िलार्ड को डर था कि जर्मनी को अगर यूरेनियम मिल जाए तो वो उससे बॉम्ब बनाकर सारी दुनिया को उड़ा देगा। आइंस्टाइन को सिचुएशन वाकई में सीरियस लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें वैसे भी मिलिट्री पावर और नाजी पावर से नफरत थी। वो हैरान थे कि अमेरिका में लोग किस तरीके से खुलेआम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी डर के। आइंस्टाइन अलेक्जेंडर सचस को जानते थे जो कि एक इकोनॉमिक्स थे और प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पर्सनल दोस्त भी थे। तो आइंस्टाइन ने उन्हें लेटर्स लिखे जिससे कि रूजवेल्ट को भी इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा हो गया। बाद में ज़िलार्ड और बाकी फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करे। 6 अगस्त 1945 के दिन आइंस्टाइन सरनक लेक में दोपहर की नींद ले रहे थे। ये कॉटेज उन्होंने समर के लिए रेंट पर ली थी। जब वो चाय पीने उठे तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट हेलेन ड्यूक्स ने उन्हें हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने की खबर दी। आइंस्टाइन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ओ माय गॉड।
तीन दिन बाद एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब अटैक नागासाकी पर हुआ। फिर किसी तरह सिलार्ड और बाकी हंगेरियन फिजिसिस्ट को बोला गया कि वो लोग हिटलर की नाजी पावर के डिफेंस में एटॉमिक बॉम्ब बनाए। मार्च 1945 में सिलार्ड ने दोबारा आइंस्टाइन के पास आकर के अपना कंसर्न शेयर किया। इस बार जर्मनी बाकी देशों की आर्मी से हार रही थी। सिलार्ड को यकीन था कि नाजीज अब दोबारा एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना पाएंगे, तो फिर अमेरिकन मिलिट्री क्यों मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड थी। 1945 में सिलार्ड और बाकी के साइंटिस्ट ने न्यू प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना करने के लिए वार्निंग दी। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में आइंस्टाइन को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब डिक्लेयर कर दिया था। पहले उसने गवर्नमेंट रिसर्च की और फिर इक्वेशन E=mc² क्रिएट किया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया गया था। आइंस्टाइन की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। जो लाखों लोगों के लिए हीरो था, वो एक पल में ही विलेन बन गया था। इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि इस सारी तबाही की जिम्मेदारी एक जर्मन फिजिसिस्ट के सर डाल दी जाए। लेकिन वही आइंस्टाइन थे जो इन सबसे बेखबर अपनी गर्मी की छुट्टी और चाय के मजे ले रहे थे। तो आइंस्टाइन की इस जर्नी के आखिरी पड़ाव की बात करें, अपने 75वें साल में आइंस्टाइन को पेट में अन्यूरिज्म की बीमारी हो गई थी। उनको जानलेवा पेट दर्द रहने लगा था, लेकिन वो फिर भी डेली इंस्टीट्यूट आते थे। उनकी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज अभी भी जारी थी। वो अपने ब्लैक बोर्ड को इक्वेशन से भर देते थे। हर रोज वो एक न्यू अप्रोच के साथ अपनी थ्योरी पर काम करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के अटक जाते थे। साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स भी उनके दिमाग में घूमता रहता था। लेकिन एक बात को लेकर के आइंस्टाइन श्योर थे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलिटी जरूर है जो ऑब्जर्वर से अलग है। ये तो खैर वो भी मानते थे कि वो बड़े जिद्दी है, इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थे। इसीलिए तो वो क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविटी के साथ कनेक्ट करने का कोई मेथड ढूंढ रहे थे। एक दिन सुबह आइंस्टाइन जब इंस्टीट्यूट आए तो उन्हें पेट पे भयंकर दर्द उठा। सब कुछ ठीक तो है, उनके रिसर्च असिस्टेंट ने उनसे पूछा। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं नहीं। अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला। एक सर्जन था जो शायद उनके अन्यूरिज्म का इलाज कर सकता था, लेकिन आइंस्टाइन ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ आर्टिफिशियल तरीके से जीने की बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, अब उनका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए और संडे के दिन सुबह आइंस्टाइन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपना चश्मा, पेंसिल्स और पेपर लाने को बोला। उन्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा था, इसीलिए वो कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते थे। जितनी देर वो काम कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सोने चले गए। और मंडे 18 अप्रैल 1955 को करीब 1 बजे आइंस्टाइन 76 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके डेथ बेड के पास 12 पेजेस इक्वेशन से भरे हुए मिले, जिसमें उन्होंने कई जगह करेक्शंस और क्रॉस आउट्स किया था। और ये पेपर प्रूफ थे इस बात का कि आइंस्टाइन मरते दम तक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी डेथ के बाद ऑटो नाथन, जो आइंस्टाइन के क्लोज फ्रेंड थे, उनकी मौत से गहरे सदमे में थे। और इसीलिए उन्होंने ये बात नोटिस नहीं की कि जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजिस्ट ने इलेक्ट्रिक सॉ से आइंस्टाइन का स्कल काटकर उनका ब्रेन निकाल लिया था। अगली सुबह प्रिंसटन में 5th ग्रेड के बच्चे आइंस्टाइन की मौत पर चर्चा कर रहे थे। एक छोटे लड़के ने कहा कि मेरे डैड ने उनका ब्रेन निकाला है। जिस आदमी ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाला था और 40 साल के लिए प्रिजर्व किया था, उसका नाम था थॉमस हार्वे। उसने उस ब्रेन को दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह एक कुकी जार के अंदर छुपा लिया था। फिर उसके बाद कई सालों तक हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन के सैंपल्स उन रिसर्चर्स को भेजता रहा जो उनके ब्रेन को एग्जामिन करना चाहते थे। वो ब्रेन की एक स्लाइड रिसर्चर को भेज करके पूछता कि क्या आप इस पर रिसर्च करना चाहेंगे। इस तरह आइंस्टाइन का ब्रेन कई बार टुकड़ों में कटा, लेकिन कभी कोई काम की चीज निकल कर नहीं आई। थॉमस हार्वे जब 85 साल का हुआ तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना ये कीमती खजाना किसी को पास कर देगा। वो ब्रेन वाला कुकी जार लेकर के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गया और उसे वहाँ के करंट पैथोलॉजिस्ट के हवाले कर दिया। आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी डेड बॉडी को दफनाने के बजाय जला दिया जाए और राख को चारों तरफ बिखेर दिया जाए। बॉडी को दफन करके उसके ऊपर टॉम बनाने का आइडिया उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। इसीलिए उनकी मौत के बाद जैसा वो चाहते थे उनकी बॉडी को जला करके राख बिखेर दी गई।
रीसेंट ईयर्स में जो रिसर्च हुई उसमें उनके ब्रेन में नॉर्मल ब्रेन से 17% ज्यादा न्यूरॉन्स पाए गए। उनका कार्पस कोलासम यानी कि ब्रेन के दोनों पार्ट्स के बीच का फाइबर एवरेज के मुकाबले कहीं ज्यादा मोटा था। लेकिन अब सवाल यह है कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदाइशी ऐसा था या उनके लगातार सोचने की वजह से ऐसा बन गया था, ये आप सोचते रहे। लेकिन अब हम आ गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। आपने इस किताब में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, आपने क्वांटा, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी और इक्वेशन E=mc² के बारे में पढ़ा, आपने क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बारे में भी जाना। इसके अलावा भी फिजिक्स की दुनिया में काफी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। एक चीज जो हम आइंस्टाइन से सीख सकते हैं वो है सवाल करना और उन सवालों का जवाब ढूंढना, सीखना और इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करना। हम उनसे अपनी जिंदगी को एक मीनिंगफुल वे में जीना सीख सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम एक आम इंसान बनकर रहे या थिंकर्स और मूवर्स की लाइफ जिए और इस दुनिया को कुछ ऐसा दे जाए जो लोग सदियों तक याद रखे। तो ये किताब हमें मौका देती है एक बार और सोचने का अपनी जिंदगी के बारे में कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है।